सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस शाम में, परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका विश्वास कमज़ोर ना हो, इसलिए आपको अपने विश्वास की रखवाली करना आवश्यक है और विश्वास के लिए यत्न करते रहना आवश्यक है। हमारा विश्वास जो प्रभु ईसा मसीह पर है, वही विश्वास परमेश्वर के साथ आधार है। इसलिए जो कुछ भी हम पवित्र शास्त्र से सीखते हैं या फिर पवित्र आत्मा जो कुछ भी हमें सिखाता है, उस सीख को हमें कार्य में लाना आवश्यक है। जिस काम के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है, उन कामों को करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है और उस विश्वास में बने रहना आवश्यक है। जो हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, उसमें हमें बढ़ते रहना है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। यहूदा की पत्री अध्याय 1:3-5 आयत पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। आमीन। पत्री से हमें परमेश्वर के दास यहूदा ये बताते हैं कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यानी कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, वे सच्चे विश्वासी होते हैं। क्योंकि कितने ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, परंतु ये भक्तिहीन हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को लोचपन में बदल डालते हैं और प्रभु ईसा मसीह का इनकार करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है और परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा में बढ़ते रहना है। परमेश्वर पर शक नहीं करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर शक करते हैं, उसके अनुग्रह पे शक करते हैं, हमें विश्वास नहीं होता। और परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कहता है कि ऐसे लोगों का दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही लिखा गया था। एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने लोगों को मिस्र देश से निकाला था, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमारे लिए आवश्यक है कि हम विश्वास लाएं और हम अपने विश्वास की रखवाली करें। ऐसा इसलिए है कि हमारा संसार निरंतर बदलता जाता है और किसी न किसी रीति से ये संसार की बातें हम पर प्रभाव डालती हैं और हमारे विश्वास को कमज़ोर करती हैं। इसलिए भक्तिहीन लोग, भक्तिहीन प्रेरणाएं और भक्तिहीन शिक्षाएं हमें
विश्वास में कमजोर बनाती हैं, परंतु हमें अपने विश्वास की रखवाली करती है करते रहना है, और हमें अपने विश्वास के लिए पूरा पूरा यत्न करना है, और हमें अपने विश्वास में मिलावट को नहीं आने देता देना है। क्योंकि जो लोग मिस्र देश से छुड़ाए गए थे, उनमें से जितनों ने विश्वास नहीं लाए, वे परमेश्वर के हाथों के द्वारा नष्ट किए गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे साथ ऐसा कभी ना हो कि जो हम विश्वास लाए हैं उसे कोई नष्ट करे, और उस विश्वास में हम स्थिर रहें और उसकी निरंतर रखवाली करते रहें। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे पिता, सच में मेरे खुदा, आप महान हो। आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा और आपकी बढ़ाई हो। आप हमारे साथ रहे, हर एक काम में आपने हमारी सहायता मदद की। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सच में मेरे परमेश्वर, आप अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन में आए, हमारी सहायता करें, मदद करें, हमारी अगुवाई करें। और जितने भी जन परमेश्वर इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, मेरे खुदा, आप उन्हें आशीषित करें। आपकी सामर्थ, आपकी पाक रूह उन्हें छुए, और प्यारे पिता, डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु के नाम में दूर होने पाएं। थैंक यू जीजस, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता आज के वचन के लिए। ये प्यारे परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत। प्यारे खुदावन ईसा मसीह, आपके दास जब हमें ये समझाते हैं कि उस विश्वास की हमें रखवाली करनी है, उस विश्वास के लिए हमें पूरा यत्न करना है जो आपने हमें दिया है, और यह विश्वास हमें एक बार ही सौंपा गया है। क्योंकि मेरे परमेश्वर, हम आपके प्रिय बेटा और बेटी हैं, हम आपके पवित्र लोग हैं मेरे खुदा, क्योंकि आपने हमें अपने लहू से धो के पाक साफ किया है। मेरे परमेश्वर, हम आपके वचन के अनुसार उस विश्वास में बढ़ते जाएं जो आपने हमें दिया है। मेरे प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन विश्वासी हैं मेरे खुदा, वो उन भक्तिहीन लोगों से परे रहे जो आपके अनुग्रह को लूजपन में बदल डालते हैं, और जो मेरे प्यारे परमेश्वर ईसा मसीह का इनकार करते हैं। मेरे खुदा, हम आप में स्थिर रहें, हम आप में बढ़ते रहें। मेरे परमेश्वर, हमें ऐसे लोगों से बचा के रख जो हमारे विश्वास को कमज़ोर करते हैं। क्योंकि परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। मेरे परमेश्वर, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, हम ऐसे लोग ना बने जैसे मिस्र लोग के जैसे मिस्र देश के लोग बने थे, जिन्हें परमेश्वर आपने नष्ट कर दिया। मेरे प्यारे पिता, आप हमारे विश्वास को मजबूत बनाएं ताकि हम आप में बढ़ते जाएं। हमारे जीवन से मेरे खुदावन ईसा मसीह, हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। सच में परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे खुदा, आपने हमें विश्वास की आत्मा दी है जिससे हम आपसे प्रेम करते हैं मेरे खुदा, और हम आपकी प्रिय संतान बन सके। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कुछ लोगों की वजह से विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, तो मेरे खुदा, आपकी दया उनके जीवन में मांगते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे कि वे विश्वास में निरंतर बढ़ते रहें। यस फादर लॉर्ड। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, दुखों में हैं, मेरे प्यारे पिता,
आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू के चंगाई दें, क्योंकि परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, अंधकार में घिरे हुए हैं, बीमारियों में, तकलीफ़ों में हैं, अंधकार उन्हें नहीं छोड़ रहा है, तो मेरे परमेश्वर आप उनके जीवन में काम करें, ताकि दुष्ट अंधकार की शक्ति प्रभु ईसा मसीह के नाम में जल के राख होने पाए। प्रभु जी, हम आज्ञा देते हैं उन दुष्ट आत्मा को उस यथा कुंड में जाने की। यस फादर लॉर्ड। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर आप में बढ़ना चाहते हैं, आपके कामों को करना चाहते हैं और परमेश्वर आपके वचन का प्रचार करना चाहते हैं, तो मेरे खुदा आप उन्हें बुद्धि समझ का आत्मा दें, आपकी पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, मेरे खुदा आप उनके जीवन में काम करें। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना। प्रभु, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो रात को डरते हैं, दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ उन्हें परेशान करती हैं और डरावने सपने, प्रभु जी उनके जीवन में आपकी सच्ची सुरक्षा मांगते हैं और हर एक दुष्ट अंधकार की शक्ति को हम यीशु के नाम में बांध देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम धरती पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम इस प्रार्थना विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।